सुशील जी ने कहा, निखिल सर ने कहा कि आज के सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया रहे, दिल को छू जाने वाले परफॉर्मेंसेस सबके थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो जीएमएल की तरफ से जो रहा है वो है अटेंडेंस का भी। जैसे सुशील जी ने कहा, हम जितने भी अपने जीएमएल के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स करते हैं, जो लोग रेगुलरली आते हैं और हमको लगता है कि अटेंड करने के बाद काफी फर्क पड़ा है गाने में, कॉन्फिडेंस में, एक तरीका जो सबका एक बना है गाने का, तो उसका भी एक इम्पोर्टेंट 50% क्राइटेरिया उसका रहा है अटेंडेंस का। तो बाकी जैसे निखिल सर ने हमको बताया, उसके हिसाब से उन्होंने जो मार्क्स दिए हैं उसके दोनों को मिला के जो नेट रिजल्ट जो नेट आया है, तो वो सुशील जी आपको बताएंगे। और ऐसा है कि हम लोग आप सबसे शेयर करेंगे जो निखिल सर ने फीडबैक, उसके ऊपर आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे, क्योंकि ये निखिल सर का वो हमने चेंज नहीं किया, दैट इज एज इट इज सर, निखिल सर का हाँ, तो वो वी रेस्पेक्ट दैट। बट हाँ, ये जरूरी है कि वी हैव गिवन वेटेज टू अटेंड, बिकॉज हमने इस पर काफी डिस्कशन किया, वी वॉन्ट पीपल टू कम एंड सिंग फॉर द होल ईयर, इट्स नॉट जस्ट इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि हमने एक टाइप का कॉम्पिटिशन यहाँ पे नहीं किया कि भाई आप, इट्स नॉट दैट, इट्स अ रिकॉग्निशन, इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ योर एफर्ट्स, हाउ यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट द ईयर। और हमारे खाली शोज ऐसे नहीं रहते हैं, वी गो टू लेस प्रिविलेज ऑल्सो, वी आर गोइंग टू ब्लाइंड एसोसिएशन, वी आर गोइंग टू ओल्ड एज होम्स, हमारे नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा आप देखेंगे, वी हैव यू नो वी गो टू मेनी प्लेसेस वेयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो आप ही लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, आप सब लोग आते हैं, आप गाते हैं, और वी स्पेंड मनी ऑल्सो देयर, यू सम ऑफ यू नो यू हैव स्पेंड मनी ऑल्सो देयर, तब जाके हमने वो प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम कर सकेंगे। तो वी वैल्यू दैट एसोसिएशन, वी वैल्यू दैट टाइम, वी वैल्यू यूर कमिंग टू जी एम एल एंड सिंगिंग, एंड वी वैल्यू वंस, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आए, जो अगर आ जाए तो एक साल के बाद उनकी गायकी में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, इफ इट इज नॉट देयर देन आई विल कर्स माय सेल्फ, आपका तो छोड़ो, मैं मुझे खुद पे अपने को लगेगा कि मैं करके आ रहा हूँ, आई एम रियली डूइंग सर्विस टू म्यूजिक, आई एम ऑल्सो वर्किंग लाइक अदर पीपल, तो मुझे तो वो नहीं करना है। दीपक जी को भी क्लियर है, मैंने दीपक जी को पहले दिन ही बोला था कि हमको अगर बनाना है ग्रुप या कुछ, वी डोंट हैव टू कॉपी अदर्स एंड वी डोंट हैव टू डू द सेम थिंग विच अदर्स हैव डू, बिकॉज देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स अ जनरेट, वी आर डूइंग अ जनरेट, हम करके आ रहे हैं। तो बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट वी आर गोइंग ऑन दैट पाथ, बिकॉज उसमें टाइम कितना लगेगा, कहाँ पहुँचेंगे वो तो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता है, बट एक प्रयास चालू है, लोग जुड़ रहे हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पीपल आर सपोर्टिंग, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, नॉट ओनली पार्टिसिपेंट्स बट आवर लिसनर्स आर ऑल्सो कमिंग, एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट, मतलब उनको कोई मतलब नहीं म्यूजिक से, तो भी हमको वो सपोर्ट कर रहे हैं, बोलिए नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करो, एंथुसियाज्म सब में दिखता है, कंट्रीब्यूशन का या आप यहाँ पे प्यार देने का, यस, उससे हमारा वी आर वेरी एनकरेज्ड। सो दिस प्रोग्राम, आई एम टेलिंग यू दिस प्रोग्राम, ये हमारे मेंबर्स ने ही किया है सारा, एवरीथिंग इज डन बाय आवर मेंबर्स, एंड आई वुड लाइक टू, मेरे काफी मेंबर्स ने बोला कि हमारा नाम नहीं लेना, करेक्ट, सो वी रिस्पेक्ट दैट, एक्चुअली वी डोंट वांट टू, यू नो, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर ग्रेट पीपल, एक्चुअली यू सी दे डोंट वांट टू बी सीन आल्सो, कि क्यों हम लैंडलाइट में नहीं आना चाहते, बट आई कैन सी हियर फेस, सम ऑफ देम आर हियर ओनली, एंड आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू विदाउट लुकिंग एट यू, यू नो, सो हु हैव सपोर्टेड अस, हु हैव डन व्हाट, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दिल से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, एंड अभी मैं ज़्यादा टाइम और इस पर नहीं लूँगा, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू आवर सेकेंड रनर अप विच वी से, तो हाँ बोलिए, please announce me, you want me to announce, I will give you one hint actually, if anybody can say something, but unko jo janta hai wo nahi, jo nahi janta ho agar wo bolega then I will be very happy, khush raho abad raho, anybody can say, yes, Dina Rao, none has said about Dina Rao, yes, she has been a very very regular attendee of the events, एंड इनफैक्ट मुझे याद है उन्होंने एक बार ग्रुप में भी सबसे शेयर किया था कि हाउ हर सिंगिंग, सर यू हैव बीन द फाइनल जज, उन्होंने कुछ शेयर किया था ग्रुप में कि कैसे कॉन्फिडेंस
जीएमएल के थ्रू, जीएमएल के प्रोग्राम्स के थ्रू अटेंड करने से इनका कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी हैड लॉस्ट, शी डिडंट वांट टू सिंग, एंड दिनानंद आप खुद बोलेंगे तो एक फॉर्मेट जो सुशील भाई ने शुरू किया था उसका मुझे बहुत ही बड़ा फायदा मिला है। संगीत जो कि मेरी जिंदगी था उससे मैं बहुत दूर चली गई थी। एक साल पहले मैं कुछ दो लाइन भी नहीं गा सकती थी, लेकिन जब से उन्होंने एक्सप्लोर वाला जो ग्रुप मतलब जो फॉर्मेट बनाया था तो उसमें मुझे तीन गाने गाने होते थे, 20 मिनट के लिए हमें टाइम दिया जाता था, तो हर 15 दिन के इंटरवल पे ये प्रोग्राम रखते थे और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी होती थी, लेकिन फिर भी इन 15 दिनों में मैं अपना बेस्ट देती थी, ट्राई करती थी और उसके हिसाब से जितने भी प्रोग्राम्स हुए उन सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। नहीं, इसका मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ है, जो कि संगीत ने मुझे दूर कर दिया था तो जीएमएल ने मुझे अपने आप से मिलाया है, ये कहूँ तो अगर ज्यादा ही होगा। लेकिन मैं सुशील भाई की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने कभी कभी मुझे टिप्स भी दी है और एक मेरी फ्रेंड है जो ज्यादातर कोई फ्लोज नहीं बताता, लेकिन एक संध्या जी करके मेरी फ्रेंड है जो कि हमारे लिसनर भी है और हमारी अटेंड भी करती है, वो उसने मुझे एक मेरा फ्लो बताया था और मैंने उस पर काम किया और ये काम का नतीजा शायद कुछ अच्छा निकाल सकती हूँ। संध्या जी का नाम नहीं लेना चाहता था बिकॉज़ शी इज नॉट हियर, बट आप चूंकि दीना बहन ने पिटारा खोल दिया तो इसे मैं बोलना चाहूंगा, she supported this program, she also has supported this program, and yes, she is not here, even before going to Switzerland she told me, and what a wonderful person she is, I can't tell you, सुशील भाई वो आती है अपनी माँ को लेके आती है और हमको इतना encourage करती है, group में भी comments ऐसे लिखती है कि हम लोग को इतना अच्छा लगता है, otherwise ये ना नो मतलब कुछ, and she is a very busy person, I think बहुत busy, वैसे वो मेरी friend है when हम gym में साथ जाते हैं, लेकिन वो बहुत फैन है मतलब म्यूजिक की। सुशील भाई मैं ये भी चीज अकेले करती हूँ कि ये प्रोग्राम का आपका जो आपका ड्रीम है बहुत बड़े हॉल में गाने का और बहुत बड़ी ऑडियंस हो तो ये फुलफिल हो और इसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बस एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कई लोग सोच रहे होंगे एक्सप्लोर एक्सप्लोर बात करते हैं, है क्या एक्सप्लोर जीएमएल जिसको हम बोलते हैं, इट इज बेसिकली